भाई मौजूम से सवाल आया है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हज़रत साहब, इखलास और एहसान में क्या फ़र्क है, थोड़ी रहनुमाई फरमा दें। हाँ, इखलास कहते हैं, देखें उसमें लफ्ज़ में ही पता चल जाता है, इखलास खालिस कहते हैं कि जो काम भी करें वो खालिस यानी अल्लाह के लिए हो। खालिस का मतलब है कि उसमें कोई और चीज़ शामिल ना हो, यानी प्योरिटी, उसको कहते हैं इखलास। उसमें कोई और मोटिव, कोई और दाइया, कोई और महर्रिक, कोई और नियत, यानी खालिस उसमें सिर्फ वही, जैसे दूध खालिस है उसमें सिर्फ दूध ही हो, उसमें पानी मिठाई मीठा ये चीज़ ना हो, कोई चीज़ भी आए ना हो। और एहसान जो है वो हुजूरी को कहते हैं कि अल्लाह पाक मुझे देख रहा है, या गोया मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह की, तो अल्लाह पाक मुझे देख रहा है, अल्लाह पाक मेरे साथ है और अल्लाह पाक सुन रहा है, ये हो गया एहसान। और इखलास हो गया कि जब मैं उस जात के लिए अब कुछ करूं तो उसमें फिर दूसरों को बीच में ना शामिल, खालिस जो है उसी को राजी करने के लिए करूं।